दोस्तों, क्या आप भी अपने कीबोर्ड के अंदर आप पता लगाना चाहते हैं कि आखिरकार कीबोर्ड सेटिंग में लॉन्ग प्रेस फॉर सिंबल्स सेटिंग से क्या होता है? अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो क्या आपके कीबोर्ड के अंदर परिवर्तन पड़ेगा? अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो क्या आपके कीबोर्ड के अंदर परिवर्तन पड़ेगा? वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ पूरा का पूरा डिटेल्स में। तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए अगर आप भी अपने कीबोर्ड के अंदर लॉन्ग प्रेस फॉर सिंबल्स सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कहीं पर भी अपना कीबोर्ड आपको ओपन करना है। जैसे आप यहां पे कीबोर्ड आप ओपन करते हैं, उसके बाद यहां पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, परफॉर्मेंस सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे आपको नीचे आएंगे। जैसे आप यहां पे नीचे आते हैं तो यहां पे आपको ये सेटिंग देखने को मिल जाता है। तो यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करेंगे तो क्या होगा, अगर आप इसे डिसेबल करेंगे तो क्या होगा, अगर आप इस सेटिंग को यहां पे इनेबल करेंगे तो यहां पे क्या परिवर्तन पड़ेगा। अब यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, यहां से आपको बैक आना है। जैसे आप यहां से बैक आएंगे, बैक आने के बाद यहां पे आपको अपना कीबोर्ड आपको ओपन करना है। जैसे आप यहां पे कीबोर्ड ओपन करेंगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, हमारा यहां पे जो ए देखने को मिल रहा है, इसके यहां पे छोटा सा आपको सफिक्स में आपको यहां पे वो देखने को मिल रहा है एक आइकन। इसी प्रकार यहां पे आपको एस देखने को मिल रहा है और एस के यहां पे आपको छोटा सा एक यहां पे एच देखने को मिल रहा है। तो इस सेटिंग से यह होता है कि अगर आप यहां पे कुछ भी लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो यहां पे आपका ए की बजाय आपका जो नीचे वाला आइकन है वो यहां पे आ जाएगा। इसी प्रकार आप यहां पे इस पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका ये वाला आइकन आ जाएगा। यहां से आपको कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप यहीं पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, आपका डबल डॉट बन जाएगा। यहां पे सी को यहां पे यानी कि लॉन्ग प्रेस करेंगे, आपका सिंगल डॉट बन जाएगा। तो इस तरह से आप यहां पे इस सेटिंग को इनेबल करने के बाद इन आप यहां पे सिंबल्स ऑप्शन को, सिंबल्स चिन्ह को आप यूज कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के अंदर आप लॉन्ग प्रेस करके। तो अब यहां पे मैं आशा करूंगा आज आपको पता चल गया होगा, अगर आप इस सेटिंग को यहां से डिसेबल कर देंगे तो अब यहां पे आपको कोई भी यहां पे सिंबल्स चिन्ह आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हम यहां से बंद करते हैं, उसके बाद यहां से आपको बैक आना है। जैसे आप बैक आएंगे, यहां पे आपको कोई भी यहां पे ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। अब यहां पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, कुछ भी यहां पे आपका नहीं आएगा। तो अब यहां पे आप समझ गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि इस सेटिंग से क्या होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।